हेलो फ्रेंड, आज मैं करने जा रही हूँ रचना दीदी का मेकअप और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर, क्योंकि वो उससे बहुत अच्छे से कवरेज हो जाता है और जो फाउंडेशन होता है वो पैच नहीं होता, मतलब क्रैकी नहीं होता। और उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लगा लिया है और इसे ब्लेंड कर दूंगी अच्छी तरीके से। तो ये स्पीड में है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी थी, तो मैंने स्पीड में कर दिया। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो मैं रचना दीदी का आज पूरा लुक चेंज कर दूंगी, आज उनका मेकओवर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अब मैं लगाने जा रही हूँ कंसीलर। तो इस तरीके से मैंने आँख के पास, नोज़ के पास और कंसीलर लगा दिया है और इसे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। तो मेरे पास जो जो चीज़ें थी मैं उसमें सबसे मेकअप कर रही हूँ आज दीदी का। तो आप मेकअप करने से पहले किसी भी चीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। फर्स्ट टाइम मैं किसी का मेकअप कर रही हूँ, तो दीदी का मैं मेकअप कर रही हूँ। तो हम मेकअप फेस का कर लेते बट गर्दन छोड़ देते हैं। नेक एरिया को भी कवर करना चाहिए, तो मैं उधर भी कवर कर रही हूँ। बट मुझे बहुत अच्छे से मेकअप तो नहीं आता, बट मैंने उनका मेकअप किया और रचना दी हंस रही हैं यहाँ पे। तो अब उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर रोज़ का लगाया है, लैक्मे रोज़ पाउडर, लूज़ पाउडर रोज़ का है ये। तो इससे मैं सेट कर दूंगी फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद उसे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंटोरिंग भी मैं इसी से कर दूंगी, और मेरे पास क्योंकि कंटोरिंग के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपने डार्क कलर के मतलब कंसीलर से ही कंटोरर करूँगी, मेरे पास है। और यहाँ पर ब्लशर और आई शेडो इसी से मैं कंटेनर भी कर दूँगी फेस कटिंग के लिए। वैसे भी दीदी को फेस कटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका फेस वैसे ही बहुत शार्प है। और अब मैं यहाँ पर उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने पिंक कलर का आई मेकअप किया है, लाइट पिंक, और शिमर का यूज़ किया, लाइट शिमर, हल्के से गोल्डन। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आई मेकअप कर लूँगी और फाइनल लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पर ब्रश के बाद मेरी उंगलियाँ चलने लगी थी, क्योंकि ब्रश से ज़्यादा अच्छे से नहीं बना। तो क्योंकि मैं जिस जगह पर बैठी थी मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे, इसलिए मुझे मेकअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद मैं दीदी का ये आईब्रो को फिल कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि मेकअप करो और आईब्रो को ना फिल करो तो वो भी बहुत ही गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं दीदी वो भी कर दूँगी। ये मेरे पास आईब्रो फिल करने के लिए है, तो मैं इसे आईब्रो फिल कर लूँगी। तो ब्रश की हेल्प से मैं दीदी की दोनों आईब्रो अच्छे से फिल कर दूँगी। उसके बाद मैं लाइनर, मैंने अभी लगाया नहीं है तो लाइनर भी लगा दूँगी। तो दीदी आराम से बैठे हुए हैं, तो मैंने ये आईब्रो फिल कर दी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं की, नहीं तो रावण जैसा लुक आ जाता। तो मैंने यहाँ पर, और उसके बाद आईब्रो के नीचे ये जो उसको भी कवर करना था, तो अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लाइनर। और स्केच लाइनर है ये, मेरे पास स्केच लाइनर पड़ा था तो मैंने इसी का यूज़ किया है। और मैंने मेकअप किससे सीखा, मेरी एक फ्रेंड है माही करके, फैबुलस माही, मुझे उसके मेकअप ट्यूटोरियल बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ उसका वीडियो, मतलब वो मेकअप वीडियो बहुत ही शानदार बनाते हैं, तो प्लीज़ उनके वीडियो पर जाइए और वॉच कीजिए। तो मैंने उन्हीं से मेकअप सीखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके वीडियो देख देख के, मैंने मेकअप करना थोड़ा बहुत आया मुझे। और आज मैं दीदी का कर रही हूँ मेकअप। प्लीज़ अगर कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मेकअप नहीं आता, बट हाँ कर लेती हूँ खुद का थोड़ा बहुत, और आज दीदी का किया। तो बाद में फाइनल लुक बताइएगा। और यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो लिपस्टिक मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं, क्योंकि ठीक से नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला दीदी थोड़ा सा राउंड हो जाओ, घूम जाओ। तो यहाँ पर मैंने, और एक दिन मैं दीदी का ब्राइडल मेकअप करूँगी अच्छे से, तो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए लिपस्टिक लगा दी, और लिपस्टिक मेरी डार्क पिंक कलर की है और वो गोरे हैं इसलिए उनके ऊपर अच्छी लग रही थी, तो मैंने यही लगाई है। और हल्का सा उसमें रेड कलर का शेड दे दिया था, जिससे कि उनके लिप्स थोड़े से उभर के दिखें। और यहाँ पर लिप्स को मैंने मतलब ब्रश की हेल्प से अच्छे से कवर कर दिया है, और लिप्स अच्छे लग रहे हैं।
और अब मैं लगा लूँगी मस्करा और हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मेरे पास हाईलाइट के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सिंपल मेकअप किया है उनका लुक चेंज करने के लिए। और अगर आप लोग बोलो कि उनका ब्राइडल मेकअप करना है तो मैं उनका ब्राइडल मेकअप भी करूँगी, अच्छे से करूँगी और अच्छे से। तो अभी आप इतने में देखिए उनका लुक कैसा चेंज हो गया है बिल्कुल, और हल्का सा मैंने इसको यहाँ पे भी सेट कर दिया। तो ये देखिए अब इसके बाद मुझे काजल लगाना था दीदी को, मैंने बोला दीदी आप अपने बाल खोल लीजिए, तो यहाँ दीदी अपने बाल को कॉम कर लेंगी। और मैं चली गई थी काजल लेने क्योंकि मेरे पास काजल नहीं था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डार्क कलर की उनको बिंदी दी है मरून कलर की, ये डार्क मरून कलर है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और लगा दिया है जिससे उनको स्वेटिंग हो रही थी, तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर काजल भी इनको लगा दिया दीदी को। तो ये देख सकते हैं ये फेस का मेकअप हो गया है कंप्लीट, और मेरी हालत तो अब देख सकते हैं मैं तो बिल्कुल भंगी हो जैसे लग रही हूँ। और ये देखिए ये मतलब मेकअप फिक्सर है जिससे उनका मेकअप फिक्स हो जाएगा। और 2 मिनट के लिए मैंने उनको आइज़ क्लोज करने के लिए बोला क्योंकि वो सेट हो जाए अच्छे से, और यहाँ मैं उनके बाल को कॉम कर दूँगी। उसके बाद जब तक उनका मेकअप सेट होता है, और सिंपल मेकअप किया है तो आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और मैं उनका यहाँ पर बन बना दूँगी, मेरे पास क्लिप वगैरह नहीं थी, नहीं तो जूड़ा उनका बहुत ही अच्छा बनता, शानदार बनता। बट मैंने अभी उनको कहीं जाना नहीं था बट मेकअप करना था, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बना देती हूँ, तो मैंने उनका ऐसे ये बना दिया है। और अगली बार जब हम लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अगली बार अच्छे से शूट करेंगे चेयर पे, और बकायदा उनका पूरा शूट लूँगी मैं अच्छे से ऊपर से नीचे तक, तो वो वीडियो और शानदार रहेगी। ये तो हमने ट्रायल बनाया था कि मैं मेकअप कैसा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ उनके ऊपर, तो मैंने काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से ठीक किया है। और आप बताइएगा कि यहाँ पर मैं उनकी चोटी आगे से बना लूँगी, उसके बाद पीछे बन बना लूँगी। तो यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब जल्दी जल्दी उनको रेडी कर दिया तो उनको भी अच्छा लगा। और आप बस आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दीदी का मेकअप कैसा लगा, और भी मेकअप आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दीदी के साथ मेकअप उन शेयर करूँगी आप लोगों को। और ब्राइडल मेकअप अगर आप चाहते हो तो मैं उनका ब्राइडल मेकअप भी कर दूँगी, उसके लिए आपको मेरे पास कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर उनको रेडी करूँगी और अच्छे से शूट करूँगी, मैंने यहाँ पर सिर्फ ट्राई किया था बट हो गया अच्छा। तो यहाँ पर मैं उनके बाल बना दूँगी, हेयर स्टाइल कर दूँगी, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और जब तक आप सपोर्ट करेंगे तब तक मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप मेरा सपोर्ट करते हो। और दी को तो मैंने तैयार कर दिया बट मैं तो ऐसी घूम रही हूँ, तो इग्नोर कर देना क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बैठी थी तो बस मैंने बाल खोल लिए थे, तो यहाँ मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। और मेरा मेकअप भी देखना हो तो फिर आप मुझे बताना, तो मैं अपना भी मेकअप करके बताऊँगी। तो चलिए चलिए जल्दी बन बना लेते हैं उनका, और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, थैंक यू सो मच।
रचना दीदी। रचना दीदी तैयार हो चुकी हैं, तो आप बताइए इनका फाइनल लुक कैसा है। ये फाइनल लुक है और मैंने बना दिया जूड़ा, ये देख सकते हैं आप। वाओ कितना ग्रेट। हाँ पीछे ये किस टाइप था, बस बस हो गया देख गया, ये देख सकते हैं। और इधर फेस और ये है इनका फाइनल लुक। तो प्लीज़ बताइएगा कि दीदी कैसी लग रही है और मैंने किया इनका मेकअप। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।